और क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने वाली है? क्या टीएमसी के मुस्लिम प्लान पर मुसीबत मंडरा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ की साझा रैली में आईएसएफ के नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता पर तीखा हमला बोलते हुए कह दिया कि ममता को बीजेपी की बी टीम है। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट की साझा रैली का आयोजन किया गया। नरेंद्र मोदी और बांग्ला प्रधानमंत्री दिल्ली मध्ये लाखों लोगों के शोर के बीच खचाखच भरे ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेताओं ने हुंकार भरी कि बंगाल से ममता और देश से मोदी सरकार को खाक फेंकेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदल। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आई इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी के अब्बास सिद्दीकी ने तो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया कि टीएमसी तो बीजेपी की भी टीम है और बंगाल की रक्षा के लिए रक्त भी देना पड़ा तो वो तैयार है। हमारे प्रत्येकता बंगाली ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। আমরা বামপন্থীর প্রত্যেকটা যেখানে যেখানে শরিক দল প্রার্থী দেবে সেখানে আমরা তাদেরকে পুরাতন দিনের ইতিহাস ভুলে গিয়ে কি হয়েছে না হয়েছে সব ভুলে গিয়ে আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। दरअसल अब तक अपने इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास सिद्दीकी इतने आक्रामक अंदाज में नजर नहीं आए थे, लेकिन आज लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने बेहद जज्बाती भाषण दिया और ममता पर हमलावर होकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। টেড়ে শিক্ষক শিক্ষিকা অনুমোদিত 500 শিক্ষক শিক্ষিকা এমন করে সিভিক ভলান্টিয়ারেরা এমন করে পুলিশ কর্মীরা সবাই আজকে এই মমতার আমলে বিপদে রয়েছে। এর দাদাগিরিতে কেউ কথা বলতে পারে না, একমাত্র এই বাঘের বাচ্চাটা কথা বলে। অতীতকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম, গণতান্ত্রিক প্রতিয়ায় ভোট করো, আগামী দিন 2021 মমতাকে জিরো করে আমরা দেখিয়ে দেব। हालांकि अब्बास सिद्दीकी मंच पर लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं के साथ थे, लेकिन इसके बावजूद वो सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। खबरों के मुताबिक अब्बास ने संयुक्त मोर्चा से बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों की मांग की थी। सीपीएम ने उनको 30 सीटें दे दी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। ভাগিদারি করতে এসেছি, অনেক হয়েছে আর নয়, ভাগিদারি চাই। পিছিয়ে পড়া অধিবাসী, দলিত, আদিবাসী, ওবিসি, মুসলিম, পিছিয়ে পড়া মানুষের হক বুঝে নিতে হবে, এই ভাগিদারিতে এসেছি। অতএব যদি কেউ মনে করে বন্ধুত্বের হাত মিলানো দরকার, দরজা খুলে রয়েছে, আগামী দিন বাংলায় তাদের হয়েও আব্বাস সিদ্দিকী লড়াই করবে কথা দিয়ে গেলাম। हालांकि बंगाल की सियासत में अब्बास सिद्दीकी नए हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चे के साथ आने के बाद और आज ब्रिगेड मैदान में उनका जोश देखने के बाद फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्या ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने वाली है। ये बात सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट ममता की जीत के लिए बेहद जरूरी है। ममता ने अभी तक अब्बास सिद्दीकी या उनकी पार्टी को लेकर कोई गंभीर बयान नहीं दिया है, लेकिन आज की रैली के बाद ये बड़ा सवाल फिर उठने लगा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का साथ मिलने पर क्या अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी ममता के लिए चुनौती बनेगी, और अगर सीटें ना भी जीत पाई तो भी ममता को नुकसान तो पहुंचा ही सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।